আর অ্যান্টিবায়োটিকটা তো দিনে দুবার না, ওটা রাত্রিবেলা খাওয়ার পরে খেয়েও অসুবিধা। क्या हो गया एनडीआरएफ आ गया, आने के बाद क्या हो गया उन्होंने लोकेशन देख लिया कितना मतलब फोर्स का जरूरी है, लेकिन उनसे बहुत कम है। देखो नहीं नहीं सुनो सर सुनो सर एक बात सुनो सुन लीजिए मेरा बात भी सुन लीजिए ठीक है। एनडीआरएफ का काम क्या है ठीक है, मतलब उनका जो हादसा हुआ वहाँ पे काम करना है ठीक है। उनका काम है 24 आवर्स। देखो ऑपरेशन के लिए जो भी जाते हैं 48 आवर्स से कम नहीं होता है, लास्टली 72 आवर्स का होता है। देखो किसी के हिसाब से आते हैं, जितना भी रिकमेंड सामान है वो लेके आते हैं ठीक है, लेकिन नहीं सब कुछ होता है। यहाँ पे फोर्स का भी कम है, अभी हम लोग गाँव का है, मतलब हम लोग ने आप लोग को हेल्प किया है। पूरा बॉडी तो मिला नहीं, बॉडी के पार्ट मिल गया, एक हाथ निकल आया है, लेकिन क्या है कि वो बॉडी ऐसा फंसा हुआ है ऊपर, बहुत बड़ा एक जो रिटेनिंग वाल हुआ ऊपर से आया है और नीचे लूज मिट्टी है, वो रिटेनिंग वाल के ऊपर बहुत बड़ा बड़ा बोल्डर है, मिट्टी है, तो वो मैनुअली धीरे धीरे खोद के निकलना पड़ेगा। तो ये गाँव रिस्क हुआ, काम करने का बहुत ही रिस्क है। जो एनडीआरएफ का हमारा एसिस्टेंट कमांडेंट है उसका सजेशन भी हम ले रहा है, सजेशन उसका टीम वो कल सुबह 5 बजे से करेंगे। तो ये लोग तो उनका गांव का लोग तो अभी बॉडी ले जाने के लिए डिस्कशन कर रहा था, आप लोगों से आग्रह कर रहा था। उसका तो सेंटीमेंट है, वो भी तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो ध्यान से काम करना पड़ेगा। इसीलिए ये काम इतना जल्दी से करने के बजाय ये ना हो जाए दूसरा एक्सीडेंट हो जाए, ये भी तो हमको जो एडमिशन का तरफ जो रजिस्ट्रेशन उनका तरफ ये भी हमको देखना पड़ता है। तो कल सुबह से काम होगा, ये काम से स्टार्ट होगा 5 बजे से।